ओम शांति। प्रतिदिन का योग अभ्यास हम सबको बहुत शक्तिशाली बनाता है, आंतरिक शक्तियों के विकास में बहुत मदद करता है। कल हमने अटेंशन देकर प्यार का दिया जलाया, सबके मस्तक में आत्मा भाई को देखते ग्रीटिंग वर्ड बोलने से पहले उनको शुभ भावनाएं दी, बहुत प्यार से हर कार्य किया, उसके बहुत सुंदर सुखद अनुभव हमने प्राप्त किए। आज हम अपने मन में शांति का दिया जलाएंगे, शांति की शक्ति को प्रयोग में लाएंगे। शांति भी एक शक्ति है, जिसके पास ये शक्ति जमा है वो विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रखता है। जिसके पास ये शांति की शक्ति है वो सदा सुखी, सदा आनंदित रहता है। ये वो बल है जिससे बाकी सब बल अपने आप बढ़ते जाते हैं। शांति कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा स्वधर्म है, निजी धर्म है, केवल उसमें हमें टिकना है। आज के योग अभ्यास में हम अपने अंदर सुषुप्त शक्तियों को जगाएंगे, अपने भीतर शांति की शक्ति को इमर्ज करेंगे। आज चारों ओर हलचल का वातावरण है, विकारों के कारण मन की अशांति है, मन परेशान रहता है, व्यर्थ सोचता है, पास्ट की बातें सोचता है, और वो कैसा बंधन बन जाता है, उड़ना चाहते भी हम उड़ नहीं पाते। मन निराश रहता है, खिंचा हुआ रहता है, इरिटेट रहता है, तुरंत प्रतिक्रिया करता है। ये लक्षण है कि हमने इसको, शांति की शक्ति को जमा नहीं किया है। चलिए कुछ पल के लिए योग अभ्यास करें, शांति का दीप जलाएं। दीप को जलाए रखने के लिए घृत की आवश्यकता होती है। अब ये जो घृत है वो है निरंतर अभ्यास, सतत अभ्यास। चारों तरफ से अपने मन और बुद्धि को समेट लें। बाह्य जगत से डिटैच होकर अपने अंदर के जगत को देखेंगे। अंदर के संसार में अपने अनादि गुण, शांति को विशेष अनुभव करेंगे। शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शांति आत्मा का स्वधर्म है, निजी गुण है। जिस शांति को हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे भीतर निहित है। जिस आत्मा के पास शांति का बल है वही सदा सुखी है, सदा आनंदित है। इस निजी गुण की अनुभूति के लिए निजी स्वरूप में एकाग्र हो जाएं।
5 तत्वों से बनी इस देह में मस्तक में चमकती हुई मैं एक दिव्य मणि हूं। दिव्य प्रकाश हूं। अपने मस्तक में शांति का दिया जलता हुआ अनुभव करें। जैसे दीपक की लौ पर आप प्रकाश देखते हैं, आज अपने अंतःकरण में शांति का प्रकाश फैलता अनुभव करें। मेरा अनादि स्वरूप स्वधर्म शांत है। शांति धाम मेरा निजी घर है, जहां चारों ओर शांति है। शांति सागर स्वयं मेरे पिता हैं। वो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु हैं। कुछ सेकंड के लिए अपना तीसरा नेत्र शांति सागर पर एकाग्र कर लें। उनकी शांति की पवित्र किरणें मुझ में शांति का संचार कर रही हैं। जिससे मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मुझ में शांति के बल का संचार हो रहा है। मन ही मन गहराई से विचार करें, शांति सागर की संतान सत्यम शिवम सुंदरम की संतान मैं आत्मा भी उनके समान। शांति के बल से भरपूर हूं। उनसे निकली शांति की किरणें मेरे चित्त को शांत कर रही हैं।
मेरे मन की अशांति को भस्म कर रही हैं। मेरे मन की हलचल अचल स्थिति में बदल गई। शांति का प्रकाश मेरे चारों ओर फैलकर मेरे तन मन को स्वस्थ कर रहा है, मन को भी तंदुरुस्त बना रहा है। फील करें इस दिव्य प्रकाश को, मेरे स्थूल शरीर के अंग अंग में ये शांति का प्रकाश फैल रहा है। मैं अपने अंतःकरण से शांति को महसूस कर रही हूं। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ये शांति की शक्ति मेरी अंतःकरण की कमजोरियों को समाप्त कर रही है। मुझे समर्थ बना रही है। अब मुझे व्यर्थ सोच से मुक्त रहना है। हलचल से भी मुक्त रहना है। शांति का बल इतना स्वयं में भर लें कि विपरीत परिस्थितियों में भी मन शांत रहे, हलचल से मुक्त रहे। पांच सेकंड शांति सागर की शांति को डीपली रियलाइज करें। मेरे पिता शांति के भंडार हैं। उनकी शांति की तरंगे मुझे व्यर्थ सोच से मुक्त कर रही है, शांति से मुक्त कर रही है। अपने मस्तक के दिए को बहुत तीव्रता से चमकता हुआ देखें। ये शांति का दिया, इसका प्रकाश
मेरे चारों ओर। पूरे वातावरण में फैल रहा है। सबके लिए मंगल कामना करें। मेरे आसपास सभी आत्माएं शांति स्वधर्म में स्थित हो जाए, उनका चित्त भी शांति से भरपूर हो जाए। शांति सागर की ये पवित्र लहरें इनके जीवन को, घर को शांति में बनाए। मैं शांत हूं, हम सब अटेंशन देकर
शांति के दिए को बरकरार रखेंगे। कोई भी कार्य करते हुए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जो भी जवाब देना है सोच समझ करके देना है, सभ्यता पूर्वक देना है। मन में जो अशांति जमा है, जो परेशान करती है, आज उसे प्रभु अर्पणम कर देंगे। आप या तो पत्र लिखकर या मन ही मन परमात्मा को सुनाकर, रूरुहान करके, बातचीत करके सभी अपनी अशांति के बोझ प्रभु को दे देंगे। अगर आप पत्र लिखें, इस तरह से लिखेंगे कि वो आप ही समझ सकें और मेडिटेशन के बाद उस पत्र को जला दें। आप अपने मन को हल्का रखेंगे, इसके लिए आपको अपने बोझ प्रभु अर्पण करने हैं। बाबा आप संभालो, परम पिता को यूज करेंगे, बहुत प्यार से उन्हें कहेंगे ये आप ही संभालो। जैसे एक बच्चा अगर उसको कोई काम मुश्किल लगता है तो अपने माता पिता को कहता है ना कि मम्मी पापा ये तो आप ही देखना। ठीक इसी तरह हम अपने मन की अशांति को, उलझनों को, बोझ को आज प्रभु अर्पण कर देंगे कि आप ही जानो, आप ही संभालो। मैं शांति सागर का बच्चा शांत हूँ, मैं शांति का दिया हूँ। मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है, मेरा कर्तव्य है मैं अपने स्वधर्म में स्थित रहूँ। आज किसी भी परिस्थिति में बातों के प्रभाव में आकर इस दिए को बुझने नहीं देंगे, जलता हुआ देखेंगे इस दिए को और अन्य आत्माओं को भी शांति का दान देने में बहुत मदद करेंगे। आपका चित्त शांत है तो आप दूसरों को भी शांति का दान दे पाएंगे। आज शांति के दिए से पूरे जग को प्रकाशित करते रहें। ओम शांति। आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए।